हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आफ्ताब इन्फो AR और मैं हूं आफ्ताब। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज की वीडियो में मैं उन तमाम दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ये कविता लिख करके लाया हूं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उन सभी लोगों के लिए है जो अक्सर विदेश में रहते हैं, जो परदेश में रहते हैं और परदेश में बहुत सारा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद अपने घर वालों को खुशियों के लिए अपने आप को निछावर करते हैं और इतना करने के बावजूद भी अगर उसको कोई शिकायत हो जाती है, उसके घर वालों नाम नहीं लेते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होता है। और इन्हीं तकलीफ़ों को मैंने इस कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। परदेश में पैसों की पेड़ हमने बहुत ढूंढे मगर कहीं नजर नहीं आया। परदेश में पैसों की पेड़ हमने बहुत ढूंढे मगर कहीं नजर नहीं आया। अपनी मेहनत से ही पैसे मिलते हैं हमें इस दुनिया ने सिखाया। अपनी मेहनत से ही पैसे मिलते हैं हमें इस दुनिया ने सिखाया। पैसों की कीमत हमें तब समझ में आया, पैसों की कीमत हमें तब समझ में आया जब हमने अपनी हाथों से मेहनत करके कमाया, जब हमने अपनी हाथों से मेहनत करके एक जोड़ा कपड़ा में पूरा साल को बिताया, एक जोड़ा कपड़ा में पूरा साल को बिताया। घर वापसी के वक्त आई तो नया टी शर्ट लगाया, घर वापसी के वक्त आई तो नया टी शर्ट लगाया। घर वालों के लिए पूरा सूटकेस भर के आया, घर वालों के लिए पूरा सूटकेस भर के आया। फिर भी सब कहते हमारे लिए कुछ नहीं लाया, फिर भी सब कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं लाया। घर वाले हमारी तकलीफों को समझ ना पाया, घर वाले हमारी तकलीफों को कभी समझ ना पाया। कैसे हमने बिना अपनों का सारा त्यौहार मनाया, कैसे हमने बिना अपनों का सारा त्यौहार मनाया। ईदगाह में हजारों की भीड़ थी मगर किसी ने हमें गले ना लगाया, ईदगाह में हजारों की भीड़ थी मगर किसी ने हमें गले ना लगाया। ना सेवैया खाई ना मटन बिरयानी बनाया, ना सेवैया खाई ना मटन बिरयानी। हमने अपनी तकलीफों को किस कदर छुपाया, हमने अपनी तकलीफ़ों को किस कदर छुपाया। बीमारी के हालात में भी मुस्कुरा कर अपना हाल बताया, बीमारी के हालात में भी मुस्कुरा कर अपना हाल बताया। खुद किराए की मकान में ज़िंदगी गुजारी, खुद किराए की मकान में ज़िंदगी गुजारी और अपनों के लिए पक्की महल बनाया, और अपनों के लिए पक्की महल बनाया। दोस्तों, आप लोगों को ये कविता अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ये कविता को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।